여러분 안녕하십니까? Hello everyone. दोस्तों BTS आर्मी के लिए बांगतन बॉयज से रिलेटेड हर छोटी बड़ी चीज प्रीशियस होती है, इसलिए BTS आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि बांगतन बॉयज से रिलेटेड किसी भी चीज पर कोई पर्सन या कंपनी अपना हक दिखाए, लेकिन ऐसा करने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। तो इस बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों हमारे बांगतन बॉयज और आर्मी के लिए बोराहे वर्ड काफी प्रीशियस है, जिस पर डिजिट एंटरटेनमेंट ने ट्रेडमार्क लेने की कोशिश की, लेकिन कोरिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने डिजिट एंटरटेनमेंट को ट्रेडमार्क देने से मना कर दिया। दोस्तों ये सुनकर आप सरप्राइज होंगे, लेकिन ये सच है कि KIPO ने बिगिट एंटरटेनमेंट को ये कहकर ट्रेडमार्क देने से मना कर दिया कि ये वर्ड वी से बिलोंग करता है, इसलिए वी की परमिशन के बिना बिगिट एंटरटेनमेंट को ट्रेडमार्क नहीं दिया जाएगा। दोस्तों हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिगिट एंटरटेनमेंट बोराहे वर्ड पर कॉपीराइट क्यों लेना चाहती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बांगतन बॉयज और BTS आर्मी के लव एंड सपोर्ट को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड बोराहे पर 2021 में एक कोरियन कॉस्मेटिक कंपनी ने ट्रेडमार्क लेने के लिए अप्लाई किया था, जो अपने कई प्रोडक्ट्स लाइक सोप, ऑयल, परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए यूज करना चाहती थी। आर्मी को जब इस बारे में पता चला तो BTS आर्मी काफी डिसअपॉइंट हुई और लाला लीज कंपनी की वेबसाइट पर इस एप्लीकेशन को कैंसिल करने की पोस्ट करने लगी। साथ ही BTS आर्मी ने HYBE लेवल्स से इस ट्रेडमार्क पर एप्लीकेशन इशू के रिगार्डिंग एक्शन लेने को कहा, जिसके बाद HYBE लेवल्स कंपनी ने बोराहे फ्रेज पर ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया। साथ ही कंपनी ने कहा कि उन्होंने कंपनी और अपने आर्टिस्ट से रिलेटेड सारे वर्ड्स पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन कल 21 अक्टूबर को KIPO ने बिगिट एंटरटेनमेंट से बोराहे वर्ड पर कॉपीराइट देने से ये कहकर मना कर दिया कि इस वर्ड को फर्स्ट टाइम वी ने यूज किया था, इसलिए ये वर्ड वी से बिलोंग करता है और वी की परमिशन के बिना बिगिट एंटरटेनमेंट इस वर्ड पर ट्रेडमार्क नहीं ले सकती। साथ ही KIPO ने ये भी कहा कि अगर वो इस वर्ड पर कॉपीराइट लेना चाहते हैं तो उन्हें वी की परमिशन लेने पड़ेगी। दोस्तों यहाँ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कंपनी ने BTS वर्ड पर भी कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया था, जिसे सभी BTS मेंबर्स की परमिशन के बाद ही ट्रेडमार्क दिया गया था और अब BTS वर्ड कंपनी का पार्ट है। अब देखना ये होगा कि वी कंपनी को बोराहे प्रेस पर ट्रेडमार्क की परमिशन देते हैं या वो अपने नाम ट्रेडमार्क कराएंगे। दोस्तों आपका क्या कहना है, बोराहे वर्ड पर कंपनी को ट्रेडमार्क लेना चाहिए या वी को पर्सनली ट्रेडमार्क लेना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड सारंगे हो।